सावन सोमवार व्रत कथा। एक शहर में एक साहूकार रहता था जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वो बहुत दुखी रहता था। पुत्र की कामना करते हुए वो हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत करता था और शिव और पार्वती जी की पूरी भक्ति के साथ शिवालय में पूजा करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, ये साहूकार के पास पुत्र नहीं है, ये इसी कारण दुखी रहता है। माता पार्वती ने कहा कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकारी के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को वो पुत्र का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वो पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने बाद उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वो अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। वो एक आंख से एक काना था, तो उसके पिता ने जब इस अति सुंदर साहूकार की बेटी को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बैठा कर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वो अतः धन देंगे, तो वो भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब वो विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो तो एक आंख का काना है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ये लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया, बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वो भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़की के मामा ने आकर साहूकार की बेटी और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वो नहीं मानी। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा, तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर व्यापारी काफी प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। कुंडली टीवी डेस्क से तान्या की रिपोर्ट।